मैं हूं सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नाला सुपारा पूर्व दत्त नगर इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक लड़का इमारत की तीसरी मंजिल पर एक खिड़की पर जाकर बैठ गया और उस पर से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये लड़के का नाम नितिन बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ये लड़का रात 3 बजे से उस खिड़की पर जाकर बैठा हुआ था और सुबह होने पर लोगों को इसकी जानकारी मिली और काफ़ी भीड़ इलाके में इकट्ठा हो गई थी। काफ़ी देर बाद जब वो लड़का नीचे नहीं उतरा तो पुलिस को इसकी खबर दी गई। लिंच पुलिस मौके पर पहुंची और अपने साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया गया था। लड़के से पूछने पर उसने बताया कि उसके घर वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र में भेज रहे थे और उसे नहीं जाना था, इसलिए उसने ये सब ड्रामा किया। पुलिस ने उसे काफ़ी मनाया कि वो नीचे उतर जाए, लेकिन फिर उसने आगरा की टिकट निकालने को कहा और पुलिस ने इस बात पर राज़ी होकर उसके लिए आगरा की टिकट निकाल कर उसे दिखाया तो वो नीचे आने को राज़ी हो गया। नितिन के घर वाले भी वहां पर मौजूद थे और बताया जा रहा है कि जिस खिड़की पर वो लड़का बैठा हुआ था वो उसका घर नहीं था बल्कि किसी और का घर था। जब वो नीचे उतरा तो पुलिस ने उससे पुलिस स्टेशन ले जाने की बात कही, लेकिन वो डर गया और उनके साथ जाने से मना कर दिया। इस पूरे मामले में PI राजेंद्र कांबले ने उस लड़के पर कोई मामला तो दर्ज नहीं किया है और उसे छोड़ दिया गया, लेकिन इस लड़के के ड्रामे के वजह से पुलिस और आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ गई।